सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ, आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एडमिशन का आइडिया रहेगा, आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर हो सकता है, सो इसी के बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में बोल देंगे। सो आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए। पर वीडियो में और पीडीएफ में तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं वीडियो में बोल दूंगा। सो वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलूंगा प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिए। वीडियो स्टार्ट से कर एंड तक वीडियो को देखिए, और हमारा जो ऑफिशियल चैनल उसका भी आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सो पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड आपका जो नियर नेपियर ब्रिज जो चेन्नई में, तो यह बार आपका सिविलियन पोस्ट आपका रिक्रूटमेंट निकला है। और सब लोग जानते हैं आपका आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत की भी आपका आता है। पहला जो का पोस्ट है, पोस्ट आप लोग देख सकते हैं स्टोर कीपर ग्रेड टू पे। सो यह नंबर ऑफ आपका 40 वैकेंसी है, और पोस्टिंग आपका चेन्नई में रहेगा। और यहाँ पर सैलरी आपका पे स्केल 2 सैलरी मिल जाएगा, लगभग आपका 35,000 सैलरी आपको मिल जाएगा। सर वैकेंसी निकला है आपका UR में 3 आता है, और IEEE में 1 सीट आता है। और दूसरे क्वालिफिकेशन अगर 12th पास आउट होना हो कोई भी रिकॉग्नाइज से, एंड आपको 1 साल का भी एक्सपीरियंस आपको रखना है हैंडलिंग फॉर स्टोर द रिकॉग्नाइज नहीं। दूसरा है आपका सिविलियन जो मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जो ऑलरेडी ग्रेड पर है, तो या फिर आप लोग के वो दो ही वैकेंसी मिल रही है अभी सेम चेन्नई में पोस्टिंग डाली थी। अभी जो पे स्केल 2 सैलरी मिल जाएगा अब SC ST में एक सीट आपका निकला है। सेवरी आप लोगों को 10+ परसेंट होगा, एंड आप लोगों को लाइसेंस बहुत हेवी एंड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, एंड आपको 2 साल आपको एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा ड्राइविंग में। उसके बाद आता है जो इलेक्ट्रिकल फिटर एंड इलेक्ट्रिशियन स्किल्ड, से एक ही वैकेंसी मिल जाएगा। एबार आपको जो ड्यूटी ड्यूटी कॉर्डिनेट में आपका पोस्टिंग रहेगा, या फिर ऐसे कुछ सेम है आपका, और एक ही वैकेंसी आपको निकला है आपका जो ST में का आता है। या फिर आप लोगों को 10+ पास आउट एंड आप लोगों को अपेंटिसशिप गवर्नमेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज रिपोर्टेड वर्कशॉप अंडर 1961, ऐसे को ट्रेनिंग द ITI भी रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीट करना है, आपको 1 साल एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा। सर PDF इतना ज़्यादा अच्छा कंडीशन में नहीं है, तो PDF डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे ही नॉन कलर PDF रहेगा, इसलिए PDF आप लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा जितना था मैंने उतना कोशिश कर दिया PDF पर लाइक करके आप पास दे शो करने का। ठीक है, तो थोड़े बहुत PDF में दिक्कत होगा आप लोगों को, और आप लोगों को थोड़ी बहुत मैनेज करवाना पड़ेगा, मैनेज करनी पड़ेगी। बाकी नहीं, जो जरूरी दिखा रहा है वो सब कुछ दिखा रहेगा, आपको जूम करके आपको PDF को भी देखना पड़ेगा बाद में। ठीक है, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरा है आप लोग जो मशीन स्किल्ड से एक ही वैकेंसी, और चेन्नई पोस्टिंग रहेगा, प्लेस प्लेस का 2 सैलरी लेवल मिल जाएगा, एक ही सीट मिल जाएगा आपको OBC में। और जो क्वालिफिकेशन आप उसे देख सकते हैं, उसके बाद टर्नर मशीन टर्नर रहेगा आपके पास, स्किल्ड होगा या पर आप से जो पर ड्यूटी कॉर्डिनेट पोस्टिंग रहेगा UR के लिए 1, सेम क्वालिफिकेशन रहेगा आप लोगों को फील्ड में। और कारपेंटर स्किल या फिर उनको एक ही सीट मिल जाएगा, या पर भी सेम पोजिशन ड्यूटी कॉर्डिनेट, और जब UR में एक है तो सेम क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, इस स्टेट में आपको ITI तो अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है आपको जो MD फिटर ने मैकेनिक है, सेफर भी उनको एक ही सीट मिल जाएगा, और चेन्नई में पोस्ट रहेगा, पे स्केल 2 लेवल का सैलरी मिल जाएगा, UR 1 में आपको मिलता है। और यहाँ पर आप लोगों को मैट्रिकुलेशन है ना, आप लोगों को 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, नहीं तो आपको ITI डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेनिंग को कंप्लीट करना, नहीं तो पास ITI है, नहीं तो आप लोगों को डिप्लोमा तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर आप लोग 10th और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मान जरूरी है। दूसरे मार्टिन स्टाफ मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर, यहाँ से एक ही वैकेंसी मिल जाएगा, और ये आपको जो रामा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग रहेगा, PS1 सैलरी के साथ, यहाँ पर OBC में मिलता है आपको कैटेगरी में। और यहाँ पे आप लोग का मैट्रिकुलेशन है ना, आप लोग 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है मैकेनिकल वर्कशॉप में, और मल्टी MT से का प्योर में एवं से देखो एक ही आपको 5 वैकेंसी मिल जाएगा चेन्नई में, और सैलरी आपको 1 में मिल जाएगा लेवल 1 में। और यहाँ पे हम लोगों को मैट्रिकुलेशन आया ना, वो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस और ऑफिस अटेंडेंट को आपको एक्सपीरियंस है आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको MT से आपको स्वेपर में भी है, स्वेपर भी उनको चेन्नई में, और यहाँ पे उनको मैट्रिकुलेशन साथ उनको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस क्लीनिंग एनी द रिकॉग्नाइज फर्म में। दूसरा है आपका शिप फिटर, आपका
सेमी स्किल्ड में, या फिर आप लोगों को एक ही सीट मिल जाएगा चेन्नई में, पोस्टिंग मिल जाएगा। और वो 10 पास आउट एंड आई टी कम, नहीं तो आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी रखना पड़ेगा उसके साथ भी आप लोगों को, ठीक है। तो आपको आईसीई पीटर में सेम स्किल सब कुछ को सेम है, वैकेंसी 2 है और क्वालिफिकेशन आपको सेम। उसके बाद सेम आपको शीट मेटल वर्कर होगा, सेम स्किल सेम है, सेम आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। इलेक्ट्रिशियन फीटर में भी सेम है, आप लोगों को पता ना वो आई टी आई रिलेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लीट करना पड़ेगा, फिर से एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। उसके बाद वेल्डर में भी सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा आपके पास। चलते हैं नीचे, वो इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया है, आप देख सकते हैं। इनिशियल प्लेस पोस्टिंग मेंशन एवं फार्चर सर्विस लायबिलिटी ऑल इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड में आप लोगों को पोस्टिंग हो सकता है। तो एजेंट में और 18 साल से लेकर 25 साल से बीच में आपको एजेंट मिल जाएगा। द पोस्ट द स्टोर कीपर ग्रेड 18 से 27 साल से बीच में हम लोगों को फॉर अदर पोस्ट लार्ज रिसीव द एप्लीकेशन। द अपर एज लिमिट रिलैक्सीबल, एससी एसटी को 5 साल का, ठीक है, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है। और कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ऑफलाइन में भी अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का सर्टिफिकेट इंपोर्ट इंस्ट्रक्शन इस इंडियन कोस्ट गार्ड gov.in से मिल जाएगा। उसका पीडीएफ भी आपको अब इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉर्मेट आप लोगों को प्रिंट करके आप लोगों को ऑफलाइन में पोस्ट के द्वारा आपको भेजना पड़ेगा। तो अलग सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना पड़ेगा सेम रूम में, और अदर जीरोस कॉपी आपको देना पड़ेगा। आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, आईटीआई का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थी, जो भी हो डिप्लोमा, जो भी हो डॉक्यूमेंट्स, ऑल अदर डॉक्यूमेंट एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको जीरोस कॉपी करके आपको देना पड़ेगा। एंड आपको 50 रुपये का पोस्टल स्टैम्प भी लगवाना पड़ेगा, खाम में पोस्टल स्टैम्प में खरवाना आपको पड़ेगा। और लिखना होगा द कमांडेंट द कोस्ट गार्ड ईस्ट नियर ब्रिज दैन फाउंटेन जॉर्ज चेन्नई। सो एड्रेस पे आपको ऑर्डिनरी पोस्ट पे भेजना पड़ेगा ओनली विद इन। सो ये बार आपको मेनली टॉपिक करके दे दिया है ऑर्डिनरी पोस्ट, इसी तरह सभी का फॉर्म लीक हो जाता है, इसको मालूम नहीं और किसी के पास दो नहीं दिखता है आपको कैसे अप्लीकेशन से अलग अलग आपको भाग होता है। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट होता है, ये पार्टिकुलर मेंशन किया है आप लोगों को ऑर्डिनरी पोस्ट पे लोगों को देना होगा, ये पॉइंट देना पड़ेगा। और बड़े बार इनरोलमेंट कार्ड में आपको लिख के देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, लिख के आपको किस पोस्ट है और किस कैटेगरी से आप आता है उसके मुझे देना पड़ेगा। और आपको इम्प्लॉयमेंट न्यूज वेबसाइट में आपको एडवर्टाइजमेंट में जब निकलेगा उसमें भी आप लोगों को देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा ऑफलाइन का, कैसे कैसे आपको फिल करना। और आपके पास 45 डेज टाइम है फॉर डेट पब्लिशिंग, जब भी आपको एडवर्टाइजमेंट निकलेगा इम्प्लॉयमेंट इस न्यूज पेपर में उसके डेट से हिसाब से मुताबिक आप लोगों को 45 डेज मिलेगा। मतलब मैं आपको बोलूंगा आपका 3 दिसंबर, 3 दिसंबर आपका लास्ट डेट रहेगा, आपका 3 दिसंबर आपके पास काफी टाइम है आप लोगों को, ठीक है। आपको ध्यान से ठीक है, आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा आराम से। और भी नीचे आपको सिलेबस दे दे, कैसे कैसे क्या आपको एग्जाम लिया जाएगा, आपको जनरल नॉलेज दिया जाएगा, मैथमेटिक्स लिया जाएगा, जो इंग्लिश वगैरह सब कुछ आपको लिया जाएगा, सिलेबस वगैरह दीदी आप देख सकते हो। आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह हो इस वेबसाइट में जाके आपको मिल जाएगा। आपको एग्जाम फॉर्मेट वगैरह एग्जाम कैसे कैसे होगा आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, किसी चीज के लिख के आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। वो आपको जब आप एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगा इम्प्लॉयमेंट से उस डेट से मुताबिक, और उसमें आपका पीडीएफ भी नीचे अटैच हुआ होगा ऑफलाइन का, उसको फिल करके आपको भेजना पड़ेगा। सबका पीडीएफ और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है एनी अदर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और वीडियो को दूसरे साथ भी शेयर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को जॉब रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन हम मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन करना, इस चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं अब चलता हूँ एंड सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग जो ध्यान से फॉर्म फिल कर दे रहा, चलिए गुड बाय।